तुम क्या समझते हो ताहिर सिकंदर? मुझे सोसाइटी में अकेला करने के बाद तुम इन एक्टिविटीज के जरिए अपनी नेकनामी करवा लोगे? हरगिज नहीं। मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। It was good. Hello, Tahir. Hello. I'm too tired. Sitara kahan hai? Aa rahi hai. Kyun? Ye dekha tumne? Ye pages pe nikla. Ye kya hai? Viral ho raha hai subah se. Assalamu alaikum. Pre reunion after harassment? What the hell is this? और तुम कब मिली इससे? ओ ये कल मेरी मॉल में मुलाकात हुई थी ना, तो शायद। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और ये पिक्चर किसने ली? मुझे क्या पता किसने लिए पिक्चर। रिलैक्स बेटा। और तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो कि कोई भी तुम्हारी पिक्चर खींच कर चला गया? मैं कोई गलत काम नहीं कर रही थी कि चारों तरफ देखती रहूं कि कौन मेरी पिक्चर बना रहा है और कौन नहीं। You know what, Dad, जिसने भी ये हरकत की ना, मैं उसे जान से मार दूंगा। Relax, relax. मैं पता करवा लूंगा और इस आर्टिकल को और ये सब चीज यहाँ से रिमूव करवा दूंगा, डोंट वरी। हाँ? इसकी जरूरत नहीं है, इसको डिलीट ना करवाइएगा प्लीज। क्यों? क्योंकि गंदगी छुपाने से बेहतर है कि खुद खत्म होने दें, वो ज्यादा बेहतर है। जब ये पोस्ट डिलीट हो जाएगी ना, तो गंदगी भी खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जी, और सबको ये भी पता चल जाएगा कि आपने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके ये पोस्ट हटवाया। ये ऑलरेडी पेड कंटेंट है सितारा। मीट एंड ग्रीट विद
sincere friend and a true human being. ये original content. ये बेवकूफी है. Delete करो इसे. It's okay. Don't delete it. मैंने इसको आगे forward कर दिया. Dad, what are you talking about? मैंने कहा था ना बेटे, मैं छोड़ूंगा नहीं, पता करा लूं. खैर, ऑर्फनेज कैसा लगा तुम्हें? ऑर्फनेज लगता ही नहीं है वो. इतना अच्छा माहौल है वहां का, अब लगता है जैसे घर है. हाँ हाँ, बहुत अच्छा है ना. तुम एक काम करो, वहां जाके और पिक्चर्स खींच के अपलोड करो ताकि सारी दुनिया को पता चले कि तुम कितनी खुश हो. मैंने कहा ना बेटा, मैं हैंडल कर लूंगा. सोशल मीडिया गंद है और इस गंद में जो भी उतरेगा वो अपना दामन भी गंदा करेगा. सितारा ठीक कह रही है. सलीम क्यों फोन कर रहा? मैं समझा रहा हूं तुम्हें, बाद में शिकायत मत करना, ठीक है? ये क्या कर रही हो तुम यार? क्या हो गया है? पिक्चर अपलोड कर रही हूँ. पागल मत बनो, जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना वो तुम करो. इसमें पागल बनने वाली कौन सी बात है? मैं ऑर्फनेज गई, मुझे अच्छा लगा इसलिए पिक्चर अपलोड कर रही हूँ. और जो ज़ियान के साथ तुम्हारी पिक्चर है जिसपे तुमने कॉमेंट किया है, वो किसी ने जानबूझकर तुम्हें बदनाम करने के लिए लगाई है और उसे हटवाने के बजाय तुम उसे पोस्ट कर रही हो. मैं बस उसकी इमेज खराब नहीं करना चाहती, इसलिए ऐसा किया. ओह माय गॉड, इतनी हमदर्दी, चाहे उसमें तुम्हारी अपनी इमेज खराब हो जाए. मुझे जानता ही कौन है सलार. लेकिन पूरा शहर मुझे जानता है और तुम मेरी बीवी हो. मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारा नाम उछाले. अच्छा, और उसका क्या जिसने आपकी बीवी की एक रिक्वेस्ट पर अपना पूरा मुस्तकबिल खतरे में डाल दिया? और तुमने उससे कौन सी रिक्वेस्ट की थी? तो आपको क्या लगता है वो सीसीटीवी फुटेज मुझे कहाँ से मिली होगी? उसी ने दी है.